नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जो नाइन्थ क्लास है उसका टॉपिक चल रहा है अपना ऊतक। क्या टॉपिक चल रहा है आपका? ऊतक। तो अपन ने देखे पादप ऊतक देखे, अब अपन देखेंगे जंतु ऊतक। इसमें कल की क्लास में अपन ने देखा था एपिथीलियम ऊतक। कौन सा ऊतक देखा था आपका? एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक वो ऊतक होता है जो विभिन्न, जो आपके सारे अंग है उनके विभिन्न भागों को ढकने का काम, या कह सकते हैं आपके रक्षा कवच की तरह होता है। क्या होता है? रक्षा कवच की तरह होता है, रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। अब देखो एपिथीलियम ऊतक ने अपन ने देखा सरल एपिथीलियम, सरल एपिथीलियम, स्तंभाकार एपिथीलियम। दूसरा क्या था आपके? स्तंभाकार एपिथीलियम। तीसरा था आपके पक्षमाभि एपिथीलियम, पक्षमाभि एपिथीलियम। तो ये सारे अपन देख चुके हैं। तो एपिथीलियम ऊतक को अपन लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखेंगे अपन अगला ऊतक आपका तरल संयोजी ऊतक। जंतुओं में एक ऊतक पाया जाता है जिसे बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। तो आज अपन देखेंगे तरल संयोजी ऊतक क्या होता है। तरल संयोजी ऊतक में किस किस को सम्मिलित किया गया, तो आज देखेंगे अपन तरल संयोजी ऊतक। देखो तरल संयोजी ऊतक में किसको सम्मिलित किया गया? आपके रक्त को सम्मिलित किया गया। किसको सम्मिलित किया गया? रक्त या ब्लड को। किसमें सम्मिलित किया गया? आपका तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, इसके अलावा अपन देखेंगे कि रक्त का संगठन क्या होता है, रक्त में कौन कौन सी प्रकार की कोशिकाएं होती है, विभिन्न कोशिकाओं के कार्य क्या होते हैं, ये सारा अपन किसमें देखेंगे? तरल संयोजी ऊतक में। तो आज देखते हैं अपन रक्त की संरचना। देखो रक्त के बारे में अगर देखा जाए तो रक्त क्या है? एक आपके तरल संयोजी ऊतक है। रक्त में क्या होगी? रक्त कणिकाएं होगी। रक्त में क्या उपस्थित होगी? आपकी रक्त कणिकाएं उपस्थित हो। तो अपन देखते हैं रक्त, रक्त को दो भागों में बांट सकते हैं, कणिकाएं और दूसरा क्या होता है आपका? प्लाज्मा। दूसरा क्या होगा आपका? प्लाज्मा। रक्त को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो हो जाएगा आपका प्लाज्मा और दूसरा क्या हो जाएगा? कणिकाएं। अब कणिकाएं कौन कौन सी होती है? आरबीसी, WBC और तीसरा है आपका प्लेटलेट्स। ये तीनों क्या पाई जाती है आपकी? रक्त में कणिकाएं पाई जाती है। अब रक्त को छानने के बाद जो आपका तरल बचता है, रक्त को छानने के बाद जो तरल बचता है वो क्या कहलाता है? आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होगी आपकी? प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होगी। जल पाया जाएगा, खनिज लवण होंगे, ये सारे मिलके क्या करेंगे? आपके प्लाज्मा का निर्माण करेंगे। कई बार आपने सुना होगा कि अभी एक ट्रेड चल रहा है, अभी आजकल चल रहा है कि जो व्यक्ति कोरोना से रिकवर हो गए, जिनके कोरोना हुआ था वो सही हो गया, तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि आप प्लाज्मा दान करके आओ। प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं आपके? एंटीबॉडी। क्या पाए जाते हैं आपके? एंटीबॉडी। तो उन व्यक्तियों को बार बार कहा जा रहा है जिनके कोरोना होके ठीक हो गया कि आप क्या करो, प्लाज्मा डोनेट करके आओ, आप प्लाज्मा दान करके आओ। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके में क्या बन गई? एंटीबॉडी। मतलब अब अगर इनके प्लाज्मा होगा या ये किसी व्यक्ति को दे देंगे तो जो प्लाज्मा के गंभीर पेशेंट होते हैं, ठीक नहीं हो रहे, उनको क्या किया जाएगा? ये प्लाज्मा चढ़ा दिया जाएगा जो कोरोना के गंभीर पेशेंट है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, उनकी जीवन बचा रहेगा। तो प्लाज्मा को इसलिए दान किया जाता है ताकि उसमें एंटीबॉडी का निर्माण हो जाए। कोई भी बीमारी हो, देखो अपना शरीर में रक्षा कवच होता है, ठीक है, जैसे ही आपके कोई बीमारी होती है तो अपने शरीर क्या करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है। उससे क्या होगा, भविष्य में अगर वो बीमारी आपके हो रही है तो आप उस बीमारी से प्रभावित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में क्या बन गई है आपकी? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया या एंटीबॉडी का निर्माण हो गया।
तो आज पढ़ेंगे अपन डिटेल से किसके बारे में, रक्त कणिकाओं के बारे में। रक्त कणिकाओं के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो रक्त होता है उसमें कौन कौन सी कणिकाएं होती, क्या क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं आरबीसी। इनको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, इनको बोलते हैं आरबीसी। इनका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं इनको। लाल रक्त कणिका बोल दो या क्या बोल दो, इरिथ्रोसाइट बोल दो। अब देखो लाल रक्त कणिकाएं लाल क्यों होती है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन नामक वर्णक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। वर्णक का मतलब कलर देने वाला। तो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाएगा आपका हीमोग्लोबिन नामक वर्णक, जिसकी वजह से लाल रक्त कणिकाएं कैसी होती है, लाल कलर की होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, जो लाल रक्त कणिकाएं इनका जीवन काल होता है आपका 120 दिन का। जीवन काल कितने दिन का होता है आपका, जीवन काल होगा इनका 120 दिन का। 120 दिन क्या रहती है आपकी, ये जिंदा रहती है। फिर इनकी क्या हो जाती है आपकी मृत्यु। इनका निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। इनका निर्माण कहाँ होगा आपका, लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। तो अपन ने देखा रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की वजह से होगा, वो कहाँ पाया जाएगा आपकी लाल रक्त कणिकाओं में। इनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है और लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा या बोन मेरो, जो आपकी लंबी हड्डियां होती है, लंबी बोन होती है, उनमें पाया जाता है, ठीक है। अब देखो जो आरबीसी होती है वो क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ मिलके आरबीसी क्या करेगी, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगी। ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी। तो आपके जो रक्त है वो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, आपके शरीर के प्रत्येक अंग तक आपकी ऑक्सीजन आसानी से पहुंच जाती है। क्यों पहुंच जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बना लेता है आपका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है और आराम से आपके हर कोशिका तक आसानी से ऑक्सीजन पहुँच जाती है। अब देखो कुछ भी खाद्य पदार्थ खाया हो, ठीक है, पानी पिया हो, कुछ भी आपके शरीर में जो पाचन होता है और शरीर में जाता है, तो रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक, अर्थात इस तरल के साथ ये जुड़ के हर कोशिका तक, हर कोशिका से उसके ऊतक तक, अंग तक, अंग से होते हुए जो सबसे छोटी इकाई है कोशिका, वहां तक आसानी से पहुंच जाते हैं। ये थी आपके आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, जिनकी वजह से रक्त का लाल रंग होता है और ये कौन सा ऊतक है आपका, तरल संयोजी ऊतक। दूसरी कणिका देखते हैं अपन डब्ल्यूबीसी, जिनको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। दूसरी कणिकाएं देखते हैं अपन डब्ल्यूबीसी, दूसरी कणिकाओं का नाम है डब्ल्यूबीसी, इनको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। अब देखो आरबीसी में तो वर्णक पाया गया जिसकी वजह से वो लाल थी, ये कैसी होती है, रंगहीन होती है। इनमें क्या होता, वर्णक नहीं पाया जाता, वर्णक नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, कणिका युक्त और कणिका विहीन, ये दो प्रकार की होगी, कणिका युक्त और दूसरी कैसी होगी आपकी, कणिका विहीन। मतलब ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनके अंदर कणिकाएं पाई जाती है वो कणिका युक्त होगी, जिनमें नहीं होगी वो कणिका विहीन क्या कहलाएगी आपकी, डब्ल्यूबीसी। अब देखो इनका मुख्य कार्य, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र की, प्रतिरक्षा तंत्र की सुरक्षा करती है।
अपने जैसे ही बॉर्डर पे कोई सैनिक, जैसे ही बॉर्डर पे कोई ना कोई विदेशी आके आक्रमण करने की कोशिश करता है, या ये कह सकते हैं कोई विदेशी सॉरी कोई विदेशी आके उसके अंदर एंटर हो जाएगा, या कोई भी कैसी भी गतिविधि होगी, तो सैनिक जैसे प्रहरी के रूप में वहां पे खड़े रहते हैं। सैनिक क्या होते हैं? प्रहरी के रूप में वहां खड़े होते हैं। वैसे ही जैसे ही अपने शरीर में कोई दूसरा कण आ गया जो अपने शरीर का नहीं है, कोई फॉरगन पार्टिकल आ गया, कोई बीमारी हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो WBC क्या करेगी? उससे फाइट करेगी, लड़ेगी। तो इनको सोल्जर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन? सोल्जर यानी सैनिक, इनको सैनिक भी कहते हैं। तो WBC आपके प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखती है। जैसे ही आपके शरीर में किसी ना किसी की एंट्री भी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो या कुछ भी हो, सबसे पहले ये फाइट करती है। बाउंड्री लाइन है, सबसे पहले तो आपकी जो त्वचा की परत है वो फाइट करती है, वो अंदर ही नहीं जाने देगी। फिर उसके बाद में क्या करेगी? आपकी WBC इसको फाइट करेगी। फिर जाके क्या होता है आपके, अगर फिर भी इनसे फाइट नहीं हो रहा, इनसे फाइट से वो मरा नहीं, तब जाके आपके कोई ना कोई बीमारी होती है। तो ये क्या है? WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, रंगहीन होती है, इनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता। दो प्रकार की होती है, कणिका युक्त और कणिका विहीन। प्रतिरक्षा तंत्र की तरह का प्रतिरक्षा की सुरक्षा करती है। मतलब एक सैनिक होता है, जैसे आपके सोल्जर होता है, सैनिक होता है, वैसे क्या करती है? ये महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके अलावा इनका जीवन काल होता है, जीवन काल होता है इनका 2 से लेके 6 दिन का, और कई बार होता है 2 से लेके 10 दिन का। बस इतने ही दिन क्या होती है आपकी ये जीवित रहती है। अब जो कणिका युक्त होगी उसमें क्या पाए जाएंगे? आपके कण पाए जाएंगे। और जो कणिका विहीन होगी उसमें कण क्या होंगे? आपके अनुपस्थित होंगे। इसके आगे आधार बटर के आगे इनको फिर से बांट रखा, मोनोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ये आगे आपके बांटे हुए जो आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना। अगला देखते हैं, रक्त में क्या पाए जाते हैं? आपके प्लेटलेट्स। अगली कौन सी कणिकाएं होती है आपकी? प्लेटलेट्स। अगली कणिकाओं का प्रकार है आपके प्लेटलेट्स। इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना। इनका मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। जैसे ही आपके चोट लगी, रक्त का थक्का बनाना। जैसे आपके चोट लग गई, जैसे यहाँ पे चोट लग गई, तो जैसे ही चोट लगती है प्लेट लाइट लाके वहां ऐसे जाल जाल सा बना लेते, और इस जाल जाल में क्या होगा? आपके दूसरी कणिका के आके फंस जाएगी, और थोड़ी देर में रक्त बहना क्या हो जाता? आपका बंद हो जाता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो तरल संयोजी ऊतक है उसमें प्लेटलेट क्या करती है? रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है। अगर आपके प्लेटलेट्स की मात्रा कम है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और लगातार रक्त बहते हुए उस व्यक्ति की क्या हो सकती है? आपकी मृत्यु। इसके अलावा जो विटामिन के होता है, विटामिन जो के होता है वो रक्त के थक्का जमाने में क्या करता है? आपका रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। अगर किसी व्यक्ति के रक्त में या शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का देर से जमेगा। तो ये था आपका तरल संयोजी ऊतक, जिसमें अपन ने रक्त को पढ़ा। रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अब देखो, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी है, रक्त की कमी होती है, तो उस कंडीशन को, उस अवस्था को क्या कहते हैं? एनीमिया। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी है तो उसको हो जाता है एनीमिया, वो बहुत कमजोर हो जाता है। और रक्त के बनाने में या रक्त के निर्माण में अपन ने देखा था हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन
ये क्या होता है, रक्त में एक वर्णक उपस्थित होता है, तो जो रक्त का निर्माण होता है वो आयरन, आयरन की उपस्थिति में होता है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आयरन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, जिससे क्या हो, आपके रक्त की कमी ना हो। हरे पत्तीदार सब्जियों का उपयोग करो, इसके अलावा आपके जो आयरन, जिस जिससे आयरन मिलता है उनका उपयोग करो। इसके अलावा आयरन की जो बर्तन होता है उसमें सब्जी पकाओगे तो आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये था आपके रक्त, रक्त का में कौन कौन से कणिकाएं होती है और रक्त की कमी को क्या कहते हैं। अब आपका होमवर्क देखवाओ, पहला उपकला ऊतक किसे कहते हैं, उपकला ऊतक किसे कहते हैं। एक तो इसका आंसर लिखोगे आप। दूसरा क्वेश्चन है आपका स्तंभाकार, स्तंभाकार उपकला का चित्र बनाइए। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये है आपका, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। वह इनका कार्य लिखो, वह इनका कार्य लिखो। ये आपका होमवर्क है जो आप सब करके लाओगे कॉपी के अंदर, ठीक है। धन्यवाद, बाकी अपन कल देखेंगे।